हे गाइस, वेलकम टू चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ, क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। और कुछ हैंड रिटन मैसेजेस मैं लूँगी आज इस डेक से, काफ़ी सारे मैसेज हैं, तो इस डेक से मैं आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है वो लूँगी। कुछ एंजल की गाइडेंस भी आपके लिए लूँगी। तो ऑलरेडी मैं बहुत लेट ही बैठी हूँ गाइस, तो शुरू करते हैं क्विकली क्या है आपके पर्सन के करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू। मुझे आज कुछ लोगों ने बोला था कि मैं आज करंट एनर्जी पे रीडिंग डालूँ, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। तो चलो, सोचा आपकी फरमाइश के साथ मैं आती हूँ इस रीडिंग के ऊपर, कॉल करती हूँ जे आर्कैंजल माइकल को। जे आर्कैंजल माइकल, आप प्लीज़ आइए और हमें गाइड कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी टूवर्ड्स एम क्या है। प्लीज कम एंड गाइड अस। अच्छा जी, या तो इनको ऐसे लगता है कि आप किसी थर्ड पार्टी में थे, आपने इनको चीट किया है, या तो इस पर्सन ने खुद किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको चीट किया है। अब सोच रही है पर्सन कि ये रिश्ता फिर से कैसे अच्छा किया जाए, इस रिश्ते में फिर से कैसे बैलेंस बनाया जाए, स्टेबिलिटी लाई जाए। नई शुरुआत है, एक पैशन वाली एनर्जी है आपके पर्सन की। सिर्फ पैशन वाली एनर्जी नहीं गाइज, ये आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी भी जीना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ भी जीना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं ये पर्सन टूवर्ड्स यू। शायद दिख रहे हैं आपको, ओके। और लूंगी दो कार्ड्स, क्या है ये। कुछ बातें सीक्रेट है, हिडन है, जो आपको नहीं पता है, या फिर इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आप इनसे सीक्रेटिव रहते हो, आप इनको कुछ बातें बताते नहीं हो। आप आजकल आप बहुत सारी चीज़ें इनसे छुपाते हो, ऐसे या तो आपको लेकर लग रहा है, या तो खुद इस पर्सन ने कुछ चीज़ें हिडनली रखी थी। मुझे लगता है कोई ऐसा सीक्रेट रिलेशनशिप है इस पर्सन का, जो अपने आप में एक चीटिंग की एनर्जी हो जाती है, जो इस पर्सन ने की है। एक ऐसा रिश्ता इस पर्सन ने आपके होते हुए भी निभाया है, या फिर इनके लाइफ में रहा है जो शायद आपको पता नहीं था, बट एक सीक्रेट रिलेशनशिप इस पर्सन का था। ये पर्सन आपको चीट कर रहे थे, और अब इस बात के लिए पर्सन सोच रहे कि शायद इन्होंने गलत किया है, अब इनको आपके साथ फिर से इस रिश्ते को बैलेंस बनाना है, और एक स्टेबिलिटी के साथ, एक पैशन के साथ इस पर्सन को इस रिश्ते में आना है। इस पर्सन के मन में है कुछ, यस, इन्होंने गलत किया है, इस चीज़ के लिए, एक चीटिंग जो की है इसके लिए पर्सन माफ़ी मांगते दिख रहे। हो सकता है ये पर्सन क्लियर कट आपसे माफ़ी ना मांगे, क्योंकि ये पर्सन थोड़े सीक्रेटिव है, मतलब बिल्कुल खुले तरीके से ये पर्सन किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं करते अपनी गलतियाँ। ये पर्सन एक्सेप्ट तो नहीं करते, बट माइंडली इस पर्सन को इस चीज़ के लिए गलती का एहसास हो रहा है कि इन्होंने कुछ गलत किया था आपके साथ। आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं। क्या है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए माइकल। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों, जी हाँ, ये पर्सन इसी फिरात में, देखिए यहाँ पे भी टेम्परेंस बैलेंस की एनर्जी, यहाँ पे भी टेम्परेंस बैलेंस की एनर्जी है। अब सोच में है ये पर्सन का, अब इनको किस तरह से बैलेंस बनाना है इस रिश्ते को फिर से, क्योंकि गलती इनसे हुई है। मुझे नहीं लगता ये आपसे हुई है, बट ये पर्सन से गलती हुई है आपके होते हुए। इस पर्सन ने काफ़ी सारे ऑप्शंस के साथ फ्लट आउट किया है, गलती तो इन्हीं से हुई है, और अब इनको ये सिचुएशन को हैंडल करनी। जी हाँ, गलती इन्हीं से हुई है, मैंने बोला ना ये पर्सन इसी बात के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। शायद इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने सच में गलत किया था, एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखा था इस पर्सन ने, और इस बात का आपको कोई मतलब, इस एक माफ़ी के साथ ये रिश्ता ये पर्सन बिल्ड करना चाहते हैं। इस जी, आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं इस पर्सन को, आप हार्ड वर्कर हो, आप बहुत मेहनती हो, आप बिल्कुल मतलब एक ट्रस्टवर्दी पर्सन, आप पे भरोसा करने वाले पर्सन, और आप ही का भरोसा इन्होंने तोड़ा है, आप ही के भरोसे के साथ इस पर्सन ने खेला है, और इस बात की इस पर्सन को अब हो रही है, कुछ पछतावा हो रहा है, कुछ इनको गिल्ट हो रहा है, और इसीलिए पर्सन ने माफ़ी मांगी। इन्होंने जो कुछ भी गलत किया था, जो कुछ भी चीट किया था आपको रिलेशनशिप में, इसकी माफ़ी मांगी ये पर्सन आपके साथ, इस रिश्ते को डेवलप करना चाहते हैं, रिडेवलप करना चाहते हैं, उसको अबेंडेंट बनाना चाहते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है एंजल,
जी मैंने बोला कि ये पर्सन स्टेबिलिटी देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, यस थर्ड पार्टी, ये मुझे वर्ल्ड की एनर्जी थोड़ी थर्ड पार्टी लग रही है कि कोई फीमेल का, किसी फीमेल ने इनको बहुत अट्रैक्ट किया था इनके टूवर्ड्स, बट ये पर्सन अब वहाँ से निकल के ये टूवर्ड्स यू आ रहे हैं, ये आपको एक स्टेबिलिटी देते हुए दिख रही है पर्सन, परमानेंटली ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकल के आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। रिकंसिलेशन यूनियन है गाइस आपका इस रिलेशनशिप में। यस ये पर्सन बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, एक एम्प्रेस की एनर्जी है। अगर कोई बेबी कंसीव करना चाहता है तो हो सकता है गुड न्यूज़ आपको मिल जाएगी, ये हो सकता है अगले 3 दिन, 3 हफ्ते या फिर 3 मंथ में एक गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है। एक बात ये भी है और दूसरी बात ये कि आपके रिश्ते में वो शुरुआत हो रही है। और यस आप अगर मैरिड है तो हो सकता है कोई बेबी कंसीव की न्यूज़ आपको मिल जाएगी, बट ये पर्सन को लगते हैं आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, जैसे कि महारानी एक आप जैसे हो, सारी खूबियाँ आप में है। शायद एक पहले आप थोड़े इमोशनल बेवकूफ थे, इस बार आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गए हो, केयरिंग नर्चरिंग है, फाइनेंशियल अबंडेंट पर्सन आप हो, हर तरीके से आप बैलेंस पर्सन हो। ये पर्सन 101% आपसे रिकन्सिलेशन करने की एनर्जी में है, आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, रिश्ते को बिल्ड करना चाहते हैं। ऐसा पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है इंजन जी? बहुत आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस पर्सन को, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन इस पर्सन को आपके पास हो रहा है। ये पर्सन अपने मतलब इंटीमेट होना चाहते हैं गाइस आपके टूवर्ड्स। यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी थी, वहाँ से निकल गई है पर्सन, वहाँ से रास्ता निकाल रहे और देखिए और क्या किसके पास आ रहे हैं, थर्ड पार्टी से निकल रहे, कहाँ से आ रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स को क्वीन ऑफ पेंटेकल्स ने क्लेरिफाई किया है, बिल्कुल परफेक्ट एनर्जी आती है गाइस, और इसीलिए बहुत खुश होती है। क्लेरिफाई भी करते हो, जब डबल क्लेरिफिकेशन आता है तो मेरा और कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है कि यस आपके लिए सही गाइडेंस जा रही है। थर्ड पार्टी से इन्होंने शायद छुटकारा पा लिया या फिर इनको रास्ता दिख गया है। ये टेम्परेंस जी निकल रहे हैं, कोई एक सिचुएशन को ड्रॉप ऑफ करके ये पर्सन आ रही है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि शायद तभी आपके साथ जो रिश्ता है वहाँ पे बैलेंस बनी। जी जो हैंगनेस था ना इस पर, इस आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी सारे लोग थे, झगड़ा लगा रहे थे, ये काफ़ी सारे लोग आपका रिश्ता ख़राब कर रहे थे और इन लोगों की वजह से रिश्ता स्ट्रक था, तो शायद आपके पर्सन ने इन सब से अब मुंह मोड़ लिया, इन सब से अपना पीछा छोड़ लिया इस पर्सन ने, और ये पर्सन टूवर्ड्स यू आ रहे, क्योंकि आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि कौन से लोग इनका रिश्ता ख़राब कर रहे हैं, इनकी खुद की कौन सी इनर मेंटल एनर्जी है, इनके मेंटल इनर कॉन्फ्लिक्ट है जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रहे थे। शायद इस पर्सन के खुद की एक निगेटिव थॉट प्रोसेस हो, शायद उन्होंने उनसे भी अपना पीछा छुड़ा लिया, जैसे कि उनको सब ये निगेटिव मेंटेलिटी जैसे ख़त्म कर दी है, जो इनको स्टकनेस में डालती थी आपके साथ रिश्ते में, कुछ एक्शन नहीं करने दे रही थी, उनको अटका रही थी, कुछ लोग हैं, कुछ सिचुएशन या फिर इस पर्सन की खुद एक निगेटिव मेंटेलिटी है, जो कुछ भी है जो आपकी रिलेशनशिप को एक स्टक कर रही थी, वहाँ से ये पर्सन निकल रहे हैं। टेन ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है? यस टेन देखिए, टेन ऑफ पेंटेकल्स को टेन ऑफ पेंटेकल्स ने क्लेरिफाई किया है जी। हार्ट ब्रेक किया था इस पर्सन ने, आपका दिल तोड़ के ये पर्सन चले गए थे इस रिलेशनशिप से, और हो सकता है आप मैरिड हैं और आपका रिश्ता बहुत ख़राब हुआ था इस थर्ड पार्टी की वजह से, बट अब ये पर्सन आ रहे हैं जिसने भी आपका दिल तोड़ा था, आपको छोड़ के गए थे, ये पर्सन वापस आपके पास आ रहे और अपना रिश्ता, अपनी फैमिली, इसको हैप्पीनेस देने के लिए, अबंडेंट बनाने के लिए। मून की एनर्जी क्यों है एंजल जी? कुछ सीक्रेटिव रिलेशनशिप ही मुझे लग रहा है, अगर आप मैरिड हैं इस पर्सन के साथ तो इस पर्सन ने सीक्रेटिवली आपसे ये रिश्ता छुपा के रखा था, और शायद हो सकता है कि आपने भी इस पर्सन को डिटैच करके रखा था। आपके पर्सन आपके साथ मैरिड है, हो सकता है इस पर्सन का जिसके साथ रिश्ता क्वीन ऑफ सोर्स सिंगल मदर की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, किसी सिंगल मदर के साथ, किसी सिंगल पर्सन के साथ आपके पर्सन ने ये रिश्ता सीक्रेटिवली रखा था, बट अब ये पर्सन अपने मैरिज की ओर आ रहे हैं। यहाँ पे किसी के लिए भी हो सकता है कि इस पर्सन ने सीक्रेटिवली उस पर्सन से के साथ शादी भी की हो। जब कब की एनर्जी क्यों है एंजल? जब कब की एनर्जी क्यों है एंजल? ओके जी आगे माफी के साथ कमिटमेंट प्रपोज कोई कर रहा है यहाँ पे, रिश्ते की शुरुआत करनी है,
जो कुछ भी जी मलान तो बहुत ही इस पर्सन को जो कुछ भी इन्होंने किया था एक पछतावा है। इस पछतावे के साथ इस पर्सन पछतावा और माफ़ी के साथ ये पर्सन इस रिश्ते को फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। और ये पर्सन मुझे लगता है अगर आप मैरिड नहीं होते इस पर्सन ने आपको शादी के लिए प्रपोज़ किया है। बस थोड़ा इतना मैं आपके लिए बोलना चाहूँगी अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो थोड़ा जांच कर लेना गाइस कि इसका कोई सिक्रेटिव रिलेशनशिप अभी भी है नहीं या फिर इस पर्सन ने किसी से सिक्रेटिवली मैरिज तो नहीं की है। इस वक्त इस पर्सन को आपका बहुत हैंगओवर इनको हो रहा है, हो सकता है ऐसे हैंगओवर के चलते इस पर्सन की एनर्जी ऐसी कि जिस कुछ भी है इनको आपको हासिल करना है। बट मैं आपको एक सलाह डेफिनेटली दूंगी कि ये पर्सन जब भी आ रहे तो इनका थोड़ा पास्ट खंगालिए तो भी इनके पास जाइए क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड्स भी आया है यहाँ पे और एक सिक्रेटिव रिलेशनशिप भी मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं मैरिज भी दिख रहा है। तो हो सकता है इन्होंने ये रिश्ता मैरिज तक गया हो या फिर मैरिज जैसा इनका रिश्ता उस थर्ड पर्सन के साथ बिल्ट हुआ हो जो काफ़ी टाइम से चल रहा हो, लॉन्ग टर्म चल रहा हो, या आपको शायद पता नहीं है या फिर अगर आपको पता भी है तो या आपको मैनिपुलेट किया गया हो कि जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया और आप इनको आपकी के साथ शुरुआत करनी है। तो मैं आपको थोड़ा सचेत करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे एम्परर है जिससे कि कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई आपको अपनी बातों में घुमा रहा है, अपने बातों में फंसा रहा है और इसका नतीजा ये ना हो कि आगे चलकर आपके सामने कुछ और सच्चाई आएगी और आपको ऐसे लगेगा कि शायद आपके हाथों से ये रिश्ता चला गया। बट फिलहाल करंट एनर्जी तो आपके पर्सन की बहुत अच्छी है टूवर्ड्स यू, ये सब कुछ देते हुए दिख रहे हैं मुझे। बट थोड़ा बहुत मुझे लगा शायद किसी के लिए मैसेज हो सकता है तो इसीलिए मैंने मैसेज दे दिया। ओवरऑल एनर्जी पर्सन की करंट टूवर्ड्स यू बहुत अच्छी है। अगर आपको ऑलरेडी पता है ऑलरेडी मैरिड है और कुछ है तो यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जी मैरिड है तो वाइफ भी है आप पे और आपके अलावा कोई एक रिलेशनशिप भी है जो इन्होंने सबसे सीक्रेटिवली रखा है। चलिए अब देखते हैं क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स मेरे व्यूज जो है इनके लिए क्या है। जो भी पर्सन मेरे व्यूअर्स के दिमाग में है इनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स इन क्या है प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। जी नाइट ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल क्विकली फास्ट लाने की एनर्जी है जी। सेवन ऑफ सोर्ड्स मैंने बोला है गाइस, देखिए यहाँ पे भी सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है तो कुछ चोर तो है मन में। पॉलिटिकल दिमाग से आ रही गाइस, ये ब्रेन के साथ खेलने वाला पर्सन ये है, मतलब आप इनको सडनली पकड़ भी लेंगे ना चोरी करते हुए तब भी इनके पास ऐसी स्टोरी रहेंगी कि जो जिससे आप कन्विंस हो जाएंगे। स्टोरी की कमी नहीं इस पर्सन के दिमाग में जी। जगलिंग की एनर्जी मैंने बोला है, शायद इसीलिए मैंने बोला हूँ इनकी एनर्जी ऐसी है, जगल करता हुआ दिख रहा है पर्सन, दो दो सिचुएशन को दो दो पार्टी को जगल करता हुआ दिख रहा है। क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स है, विश फुलफिलमेंट तो आप हो ये पर्सन आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ये अच्छे से आया नहीं इसलिए मैं अच्छे से शफल करूँगी, आना है तो वो आ जाएगा क्लेरिफिकेशन में तो आ ही जाएगा जी। इनकी विश फुलफिलमेंट वही में आपको ये आप बहुत शायद फेमस हो, यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो आप शायद, ये कोई हीलर है, डायरेक्टर रीडर है कोई, देखिए अगेन फोर ऑफ कप आया गाइस। संभल के रही है आप थोड़ा, टेन ऑफ पेंटिकल्स ये शादीशुदा कहीं और है तो वही इनसे ज़रा अच्छे से आप डील कीजिए। आपसे भी शादीशुदा है तब भी मैं बोलूँगी कि आप थोड़ा इनसे दिमाग से ही इनको डील कीजिए, यहाँ पे दिल का फिलहाल तो कोई काम नहीं दिख रहा है मुझे, आपको भी दिमाग से ही जाना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंटी होते हैं उस पर्सन को लेकर, तो मेरी सलाह है कि थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए क्योंकि आने के बाद चोर तो है मन में, चोर भी है, कोई पार्टी भी है जिसको लेके चल रहे हैं, आप पकड़ लेते हैं तो इनके पास बहानों की कोई कमी नहीं है, जिसका नतीजा ये हो सकता है कि इनका मतलब होने के बाद ही आपको फिर से छोड़ के जाएंगे अपने फैमिली के पास।
जी नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है इंजन जी, आ रहे क्यों, ये पर्सन तो आ रहे हैं आपसे अगर शादीशुदा, मुझे ये आपके आपके साथ फैमिली भी लग रही है यहाँ पे, मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है कि आप दोनों मैरिड है, आप दोनों में कोई थर्ड पार्टी है, वहाँ से फिलहाल तो निकल रहे हैं ये पर्सन और आगे भी दिख रही कि आपके पास से आते हुए। नाइन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, या फिर आप दोनों कहीं और मैरिड है जी, डेविल डी विश फुलफिलमेंट है, बट इसमें जिस इस प्यार में कुछ मिलावट है गाइस, थोड़ा संभल के रहिए। इनका कप ऑफर करने से पहले ना आप थोड़ा संभल के रहिए। सेवन ऑफ सोर्स को मैंने क्लेरिफाई किया था, या फिर टेम्परेंस एंड लवर जी, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ किसी रिश्ते में, बट मन में चोर है। यहाँ पे भी विश फुलफिलमेंट आपको कह के कप दिया जा रहा है, बट मन में चोर है, किसी निगेटिव एनर्जी का यहाँ पर हस्तक्षेप है, या तो ये पर्सन खुद एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ आ रहा है, एक सेल्फिश एक मोटिव के साथ आपके पास आ रहा है, क्योंकि कप लेके आ रहा है, दिन में पॉलिटिकल दिमाग लेके आ रहा है, तो ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और जैसे तैसे आपको किसी जैसे के बॉटल में उतारने की कोशिश हो रही है, क्योंकि दिमाग में है कुछ कुछ है, फिशी फिशी एनर्जी मुझे लग रही है। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी की बात है, शादीशुदा आप और कोई अगर लवर भी है तो दोनों को बैलेंस बनाने की एनर्जी है, इंट्यूशन है, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी है, यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी है, यहाँ पे एक एनर्जी मुझे व्हाइट एनर्जी लग रही है जैसे कि डिवाइन एनर्जी, और यहाँ पे एक ब्लैक मैजिक एनर्जी लग रही है, जैसे कि व्हाइट एनर्जी को पता चल चुका है कि कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी का यहाँ पे सहारा लिए जा रहा है, और शायद आपके पर्सन का दिमाग भी उस एनर्जी से कंट्रोल किया जा रहा है, इसका इंट्यूशन आपको है। ये पर्सन भी, इनको भी पता है कि शायद इंट्यूटिवली आपको काफ़ी सारी बातें पता चलती हैं, इसीलिए बहुत दिमाग से चलते हैं ये पर्सन। फोर ऑफ सोर्स जी, अपनी शादीशुदा जिंदगी को इक्वल गिव एंड टेक देंगे आपके साथ, अगर मैरिड है तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक देंगे ये पर्सन। जी कहीं फंसे तो है, टू ऑफ पेंटिकल्स कहीं तो फंसे हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे आगे भी, बट फंसे ऐसे हैं कि वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। झगड़े इस पर्सन के किसी किसी और पार्टी के साथ भी ये बिलोंगिंग कर रहे हैं, इनको भी लेके चल रहे, तो झगड़े मुझे वहाँ पर भी लग रहे हैं। ये सिचुएशन उनके लिए बहुत ज़्यादा बर्डनस है, बट ये पर्सन करेंगे, बट ये पर्सन बोल नहीं सकते क्योंकि ये सारी बातें सीक्रेटिवली हो रही है, बिल्कुल मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, आगे भी आपसे छुपते छुपाते काफ़ी सारे षड्यंत्र कट का रास्तान मुझे होते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ तक जाएंगे ये कि कोई एनर्जी का सहारा लेके, शायद अगर आप मान नहीं रहेंगे तो आपके ऊपर कुछ हो सकता है। ये टावर विश फुलफिल जी, आपको देखिए ये आएंगे, रिकंसिलेशन होंगे, विश फुलफिलमेंट है, यहाँ पे सब कुछ है, उसके बाद की एनर्जी आती है गाइस, फिर होते हैं झगड़े, मिलने के बाद होते हैं झगड़े, फिर होता है एक लॉस, फिर होता है एक ब्रेकअप। लोग हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में, नहीं आसानी से नहीं पढ़ने देंगे रिश्ता। थर्ड पार्टी की इंट्यूशन आपको है, आपको पता है आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है, और ये पर्सन जितने क्विकली आते हैं आपके पास उतने क्विकली जाते हैं आपसे दूर, थर्ड पार्टी की ओर जाते हैं, क्योंकि यस इस पर्स ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पर्सन को मैनिफेस्ट तो बहुत करती, इसके लिए आपके पर्सन जैसे इसकी विश फुलफिलमेंट है, ये नहीं छोड़ रही, और ये मुझे वही लग रहा है थर्ड पार्टी की, थर्ड पार्टी यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्स है, जैसे कि थर्ड पार्टी इस पर्सन बराबर कैरी करके चल रहे हैं, और ये शायद यही ये चीटिंग रहेंगी जो आपको पता नहीं, या फिर आपको बताया जाएगा कि सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया है, मैं आपको अलर्ट करूँगी। देखिए ये थर्ड पार्टी के पास ये पर्सन चले जाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी की विश फुलफिलमेंट आपके पर्सन है, इसका इंट्यूशन आपको शायद पता है, बट आप फिर से इस पर्सन के बातों में फंस जाते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि आप जस्ट लॉस कर देंगे फिर से इस पर्सन को, आप फिर से हैंगमैन की एनर्जी में आ जाएंगे, जैसे कि अब आप हैंगमैन की एनर्जी में है, ये रिश्ता हैंग है, तो वहाँ से पर्सन निकालेंगे, फिर फ्यूचर में आएंगे आपके पास एक दिल में एक चोर लेके, एक मोटिव लेके आपके आपके पास ये पर्सन आएंगे, हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो, या फिर आप अगर इस पर्सन को कुछ डिसीजन लेने के लिए मजबूर करें जैसे कि डिवोर्स वगैरह, तो हो सकता है इस पर्सन का बहुत इकोनॉमिकल लॉस हो,
इससे बचने के लिए ये पर्सन हो सकता है कि आपके पास रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, प्यार का दिखावा करेंगे, आपको प्यार का कप ऑफर करेंगे, बट दिल में इनके चोर है। असल में ये लॉयल्टी थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स मुझे दिख रही है, आपके साथ तो एक दिखावा दिख रहा है। मैं आपको सचेत करना देखिए, मैं जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं मैं वो आपको बताऊंगी गाइस। आपके सामने कार्ड्स में रखती हूँ, सिर्फ एक मैसेज मुझे डिलीवर हो रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे मैसेज डिलीवर हो रहे हैं, जो मुझे डिलीवर हो रहे हैं मैं वो आपको बता रही हूँ जी। आपको कुछ बहुत ज़्यादा खोजबीन करने की ज़रूरत है, ये बार बार आ रहा है। आपकी फैमिली को अगर आपको सेफ रखना है, खुश रखना है, हैप्पी रखना है, आप इस पर्सन के साथ मैरिड है तो थोड़ा होशियार बनिए जी। आप प्यार करने वाले पर्सन हो, आप अपना कम संभाल के रखिए। देखिए यहाँ पे ये कितने प्यार के साथ अपने बच्चों का ख्याल रख रही है क्वीन। इसी तरीके से आपको अपने बच्चों का ख्याल रखना है, इनको किसी भी गलत हालात का, किसी भी गलत सिचुएशन का आपको शिकार नहीं होने देना है, अदरवाइज़ आपको ये सब कुछ हो सकता है, इतना पेन हो सकता है, अदरवाइज़ आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर रहिए गाइस। ऐसा नहीं कि इनके नेक्स्ट एक्शन में अच्छी एनर्जी आई है, बट मैंने अंदरूनी बात आपको बता दी है, क्योंकि फिर होता है ना कि पर्सन आए थे फिर चले गए, फिर क्यों चले गए, क्यों चले गए का आंसर ही क्लेरिफिकेशन में मैं देने की कोशिश करती हूँ, या फिर अगर ऐसा फिर होगा तो ये क्यों होगा, ये पहले से अगर आप जान लो तो आपके लिए बात अच्छी हो जाएंगी आगे। अब मैं देखती हूँ इस पर्सन के हिडन मैसेजेस क्या है, क्या ये पर्सन आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। I want to wake up next to you every day. जी, there is something intense about you. आप जी, मैंने बोला कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फिजिकल डिजायर हो रही है आपको लेकर, फिजिकल इंटीमेसी करना चाहती है पर्सन आपके साथ। I will come back when you least expect it to happen. जी, आप इनके बारे में सोचना छोड़ दो, इनसे एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दो, तब ये आएंगे। I will never let you go now. ट्रस्ट में, ये आएंगे तो फिर नहीं जाएंगे। करंट एनर्जी में ऐसा है कि ये फिर से नहीं जाएंगे, बट ये नेक्स्ट एक्शन में ये करते हुए दिख रही है। अगर ये पर्सन ना खुद से नहीं जाएंगे तो मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक का भी बहुत कुछ दिखा, कोई एनर्जी से खिलवाड़ करके इस पर्सन के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, और ये मैक्सिमम इस पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वही कर रहा है, शायद वही थर्ड पार्टी की एनर्जी है जो इनसे एक पॉलिटिकल वे में आपके साथ बिहेव करने के लिए मजबूर करती है। यू आर अच्छा जी, फिर भी आप थर्ड पार्टी को ले रहे हैं जी, आप इरिप्लेसेबल हो ऐसा इनको लगता है, बट देखिए कौन आपने रिप्लेस तो कर ही दिया है ना। आई वॉन्ट टू ट्रैवल जी, ये आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, शायद इस पर्सन को ना खुद ही नहीं पता है कि इनके दिमाग के साथ कौन कैसे खेल रहा है, इनको शायद खुद ही नहीं पता कि आपके साथ इतना पॉलिटिकल क्यों हो रहा है। I want to love yourself first. Yes, आप ये आपको पहला प्यार करना चाहते हैं। I want to build a family with you. Yes, मैंने बोला है अगर आप मैरिड नहीं हैं तो ये पर्सन शादी करना चाहते हैं आपसे। I keep a day dreaming about you. ये दिन में बहुत सपने देखते हैं आपको लेकर। I want you to all my side forever. जी आप तो है, आप ही बदल जाते हो जी, आप ही थर्ड पार्टी की ओर चले जाते हैं। The separation has taught me your importance in my life. जी हाँ, आप दोनों में सेपरेशन मोड अगर चल रहा है, बात नहीं हो रही है, तो इनको काफ़ी कुछ सिखा दे सेपरेशन ने। वी शेयर द सेम टेस्ट, यू आर सो मच लाइक मी। जी इनको ये भी पता है कि आप इनके जैसे ही हो। ये कुछ हैंड रिटन मैसेज मैंने ले लिए हैं, अब मैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है ये देख लेती हूँ। ये एंजल प्लीज गाइड मी, आप मेरे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं रीडिंग निकालने के बैठती हूँ, जब ऐसे टॉपिक आते हैं तो पता नहीं इतने दिमाग में सब्जेक्ट घूमने लग जाते हैं, बट क्या करूँ, एक टाइम की कमी की वजह से, और मुझे थोड़ा डीप ही जाना पसंद होता है, तो इसीलिए एक ही रीडिंग में मैं इतना कवर नहीं कर पाती हूँ, बट ठीक है, मैं हिडन फीलिंग एंड ट्रू इंटेंशन के लिए कल रीडिंग निकालूंगी आपके लिए। कम्युनिकेट क्लियरली, कॉम्प्रोमाइज जी इंटेंटिवली। अगर आपको भी पता है ना कि आपके पर्सन किसी इफेक्ट में आके ये रह रहे, तो आप इसका तोड़ ढूंढ लीजिएगा।
विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जी आपकी रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा होगा, आपको निगेटिव नहीं होना है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। और आपको इस पर्सन की कुछ बातें खटक रही है तो जी आप इनसे ना थोड़ा क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। यस विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। हाँ, अगर आप कोई तोड़ ढूंढते हैं ना इस चीज़ के लिए, कोई निगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है, तो इस रिलेशनशिप में अच्छा तो फ्यूचर मुझे दिख रहा है जी, रिकवरी भी होती हुई दिख रही है। एंजल भी वही बोल रहे हैं जैसे कि हीलिंग की ज़रूरत है आपकी रिलेशनशिप को। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, मैंने बोला है ना गाइस, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगी, रिकवरी होगी। लुक फॉर अ साइन, कुछ गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, आपको उसको फॉलो करना है। तो ये थी गाइस मेरी आज की रीडिंग। रीडिंग आपको कैसी लगी आपको डेफिनेटली बोलना है। और हाँ, इसी तरह से बने रहना है। जो लोग पहले दिन से मेरे चैनल पर जुड़े हैं, सभी लोगों का दिल से वेलकम टू आवर फैमिली। इसी तरह से जुड़े रहिए, फैमिली का हिस्सा बने रही है। ईश्वर आपके सभी मनोकामनाएं पूरी करे, इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस प्रे के साथ अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर। लव यू ऑल।